कि सस्पेंडिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन देयर कॉन्शियसली हेल्ड रिलीजियस बिलीफ वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम तो ये उम्मीद कर रहे थे कि आज रेजोल्यूशन हो जाएगा, मगर एक सुप्रीम कोर्ट के जज का जजमेंट हिजाब के फेवर में आया है, और जो हाईकोर्ट का जजमेंट था मेरी राय में इट वॉज बैड इन लॉ, बैड इन टर्म्स ऑफ इट कंटेंट्स, और इट हैड मिसयूज कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन। दिस हैज सीरियस रेमिफिकेशन, शुड नॉट हैव बीन अलाउड। ये जो कर्नाटका की मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहन रही हैं, इसलिए पहन रही हैं क्योंकि कुरान में अल्लाह सुबहाना उताला ने उनको ये कहा है, हुक्म दिया है, और वो इसलिए पहन रही हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है। तो बीजेपी ने गैर जरूरी तौर पर इसको एक मसला बनाया, इसको बैन किया, और खामखा एक रकस क्रिएट किया गया है। तो ये मेरी इनिशियल राय है। अब जब जजमेंट पूरा अपलोड हो जाएगा और जो हमको मिलेगा तो पढ़कर उस पर और तफसील से हम आपके सामने बोल सकेंगे। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सर सवाल किए थे कि हिजाब जो है कंपल्सरी प्रैक्टिस नहीं है सुप्रीम कोर्ट, तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो हाईकोर्ट का जजमेंट था वो इट वॉज बैड इन लॉ, और उसके कंटेंट में भी वो खराब था, और उन्होंने गलत कुरानिक कमेंट्रीज एंड ट्रांसलेशन को इस्तेमाल किया। अब कुरान की एक आयत है ला अखराफी दीन, के दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, वो हिजाब के लिए इस्तेमाल नहीं हुई थी, वो रिलीजन के एक्सेप्टेंस में इस्तेमाल हुई थी। उलमा इकराम ने कहा तो आपने उसको हिजाब पे डाल दिया, तो इसीलिए हमने कह रहे हैं कि वो गलत था, वो ऑनरेबल जजेस ने वो गलत मिसयूज किया बल्कि कुरानिक कमेंट्रीज और ट्रांसलेशन को। और उस जजमेंट में ये कहा गया कि स्कूल एक प्रिजन है, स्कूल एक मिलिट्री कैंप है, कैसा होगा बताइए। तो इसलिए वो मेरी राय वो है उस कर्नाटका हाईकोर्ट के तीन जजेस बेंच की, उसमें तो तीनों जजेस ने हिजाब को कहा कि जरूरत नहीं है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दो ऑनरेबल जजेस ने डिफर किया है, मगर एक जज धूलिया साहब ने हिजाब के फेवर में जजमेंट दिया है। अब आपका टाइम चले जाएगा फिर वो सोच लीजिए फिर आप। इंग्लिश में बोल रहे हैं छोटा, नहीं हो गया आप चलिए करेंगे लाइफ के लिए। हाँ लाइफ के लिए के सब खत्म, इनिशियल रिमार्क्स बोल दिया हमें, कौन पहले इन कर ले दो पहले चलो हाँ उसके बाद नहीं बच्ची को। नाज़रीन आजकल की स्ट्रेस भरी और मसरूफ तरीन लाइफ में हर कोई सेहत के मुख्तलिफ मसाइल से दो चार है। क्या आप भी झड़ते बालों को लेकर परेशान हाल है, या फिर बढ़ता हुआ वजन, ओबेसिटी, घुटनों का दर्द आपकी जिंदगी में रुकावटें बन रहा, या फिर डिप्रेशन में मुब्तला होकर आपकी कीमती सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप तमाम के इन मसाइल का वाहिद इलाज है हकीम अब्दुल अजीम साहब के पास। जी हाँ नाज़रीन, हकीम अब्दुल अजीम जो के चिरोप्रैक्टिक थेरेपी के जरिए आपके तमाम दर्दों से राहत दिलवाएंगे। झड़ते बालों के लिए यहाँ पर इंतहाई खालिस कोकोनट ऑयल के जरिए खवातीन व दोशीज़ाओं और गंजेपन से परेशान हाल मर्द हजरात के लिए बेहतरीन करिश्माती तोहफा हकीम साहब फराम करेंगे। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता करें, हमारा पता है शाहीन नगर नियर ओपासी मंदिर हैदराबाद, या फिर दिए गए इस नंबर पर कॉन्टैक्ट किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9398477147। आप तमाम की सहूलत के लिए नंबर दोबारा से दोहराऊंगी 9398477147।